जो गौ रक्षक है जिसका नाम मोनू है वो आपके लिए मोनू डार्लिंग बन गया है। तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं, आप हिंदू अक्षरेती लोगों में हथियार बांट रहे हैं। ये कौन सी आपकी मोहब्बत है पसमानदाज? आपका एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है वहां पर। इखलाक से लेकर पीलू खान से लेकर अफ़ान अंसारी से लेकर लुकमान अंसारी, मॉब लिंचिंग पूरे पसमानदा मुसलमान की होती है। जिस बिल्किस बानो को लोगों ने 11 लोगों ने रेप किया, प्रेग्नेंट थी, उसकी मां का रेप किया, उसकी बेटी को कत्ल कर दिया, उसकी मां का कत्ल कर दिया, आपने खातिलों को रिहा कर दिया? नू में 750 इमारतों को बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो किए उनके इमारतों को मुनदम कर दिया गया, और इसलिए कि वो मुसलमान थे। क्या देश बड़ा है या हिंदुत्व गोलवाल करके आइडियोलॉजी बढ़ी है? आखिर कब तक दुकानदार और चौकीदार हमारी लाशों पर कब तक सियासत करेंगे? ये कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं, कुछ नहीं कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? शुक्रिया चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस तहरीक अदम एतमाद की ताईद में खड़ा हूं जिसको TRS पार्टी और हमारी पार्टी ने दिया, जिसको स्पीकर साहब ने कबूल किया। सर, मैं 11 पॉइंट आपके सामने रखूंगा जो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों हम इस तहरीक अदम एतमाद की ताईद में और मोदी हुकूमत की मुखालिफत में खड़े हैं। सर, हालिया दिनों में हमारे मुल्क में ट्रेन में एक वर्दी पोश दहशत गर्द ने अपने सीनियर मीना साहब का कत्ल करने के बाद ट्रेन के कंपार्टमेंट में जाकर नाम पूछकर, चेहरे पर दाढ़ी देखकर, कपड़े देखकर उनको कत्ल कर दिया, और उसके बाद उसने कहा कि इस देश में रहना है तो मोदी को वोट देना पड़ेगा। मैं हुकूमत से जानना चाहूंगा कि क्या ये अक्सरती तबके की एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन की बेहतरीन मिसाल नहीं है, और अगर है तो फिर हुकूमत इस पर क्या करेगी? सर, हमारे आईन में, संविधान में लिबर्टी ऑफ कॉन्शियस को लिखा गया, तमहीद में, यानी जमीर की आजादी का जिक्र किया गया है। मैं हुकूमत से और खास तौर से वजीर आजम से जानना चाहता हूं कि कहां गया इस हुकूमत का जमीर, कॉन्शियस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जब नू में 750 इमारतों को बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो किए उनके इमारतों को मुनदम कर दिया गया, और इसलिए कि वो मुसलमान थे, पूरे के पूरे इलीगल थे। इसीलिए पंजाब की हाईकोर्ट और हरियाणा की हाईकोर्ट ने कहा कि ये एथनिक क्लेंसिंग है, इसकी एक बेहतरीन मिसाल है उस हुकूमत की। तीसरी है कि इस मुल्क में एक नफरत का माहौल, बल्कि एक आतिश को पैदा कर दिया गया मुसलमानों के खिलाफ, नफरत का माहौल, ये इनका, ये 9 साल का इनका ये कारनामा है। तीसरा, सर, मणिपुर के ताल्लुक से कल बड़ा लंबा जवाब वजीर दाखिला ने दिया। सर, आसाम राइफल के ऊपर केस बुक हो जाता है, FIR हो जाता है, क्या हो रहा है वहां पर? कहां गया आपका कॉन्शियंस, कहां गया आपका जमीर जब वहां की महिलाओं की अस्मत रेजी की जा रही है? और आप मुख्यमंत्री को नहीं हटाना चाहते इसलिए क्योंकि वो कॉपरेट कर रहा है। सर, मैं हरियाणा और मणिपुर के वजीर आला के लिए किसी शायर ने अच्छा कहा था कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं, कुछ नहीं कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? आखिर कहां गया, उन ताबूतों में खो गया कि आपका कॉन्शियस, आपका जमीर, जहां पर 50,000 लोग बेघर हो गए, 6 लाख हथियारों को लूटा जा रहा है, आखिर कौन सा आप इंचार्ज वहां पर हैं? सर, पांचवा, 14 पॉइंट, हिजाब को एक मसला बना दिया गया और मुस्लिम बच्चों को तालीम से महरूम कर दिया गया, क्या ये आपका लिबर्टी ऑफ कॉन्शियंस है? कहां गया आपका जमीर? सर, अभी आपने, फाइनेंस मिनिस्टर साहबा ने कहा, यहां पर DMK के मोहतरमा कनीमोजी ने महाभारत के द्रौपदी का जिक्र किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, बिल्किस बानो इस देश की बेटी है या नहीं? जिस बिल्किस बानो को लोगों ने, 11 लोगों ने रेप किया, प्रेग्नेंट थी, उसकी मां का रेप किया, उसकी बेटी को कत्ल कर दिया, उसकी मां का कत्ल कर दिया, आपने खातिलों को रिहा कर दिया? ये आपका कॉन्शियंस है? ये आपका कॉन्शियंस है? आप तो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को फरोख दे रहे। सर, चौथा, आज चाइना के ऊपर कोई नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त 2013 में जब प्रधानमंत्री नहीं थे कहा था कि समस्या बॉर्डर पर नहीं, दिल्ली में है, अगर हम अपनी जमीन पर हैं तो डिसइंगेजमेंट क्यों कर रहे हैं? क्या आज चीन हमारी जमीन पर नहीं बैठा है? क्या आज चीन से आप बातचीत कर रहे हैं? आप डिसइंगेजमेंट कर दिए, बताइए डीएस्केलेशन, डी इंडक्शन कब होगा? मैं आपके जरिए से हुकूमत को बता रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में ची जिनपिंग को बुलाकर झूला झुलाया था, क्या हुआ, क्या नतीजा निकला उसका? चेन्नई दिखाया, क्या नतीजा निकला? सर, इसलिए चीन पर बोलिए,
चीन को उखाड़ कर फेंकिए। सर और एक पॉइंट जिस पर मैं मुखालिफ ताईद में खड़ा हूं, हाई इन्फ्लेशन है इस मुल्क में, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, स्टैग्नेटिंग कंजम्पशन है, इसकी वजह से महिलाओं में हाई एनीमिया लीड कर रहा है, ये हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। सर कुलभूषण जाधव कहां है? पाकिस्तान में बैठा है, आप क्यों नहीं लेके आते? आप विश्वगुरु कहते हैं, कुलभूषण जाधव को भूल गए आप? खतर में 8 नेवी ऑफिसर एक साल से जेल में है, आप नहीं ला सके उनको? सर और एक चीज, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस आयवान में पास किया गया था कि तारीख के जख्मों को नहीं खुरेदा जाएगा, आप खुरेद रहे हैं उनको। मैं आपको इंतबाह दे रहा हूं, वार्न कर रहा हूं, इस मुल्क को नव्वत के दहे में मत लेकर जाइए। 91 का एक्ट सुप्रीम कोर्ट में जवाब दीजिए कि आपकी हुकूमत 91 प्लेस ओवरशिप एक्ट की कायम है, उस पर कायम रहेगी। यूसीसी सर, इस यूसीसी का फॉर्मूला क्या है? एक मुल्क में एक मजहब, एक कल्चर, एक जबान, ये तो डिक्टेटरों का फॉर्मूला है। भारत एक गुलदस्ता है, भारत एक मोजाइक है, यहाँ पर बेशुमार जबाने, बेशुमार मजाहब बोले जाते हैं, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सर आई एम कंक्लूडिंग, 8,75,000 हिंदू खानदानों को 3,800 को रिडक्शन मिला, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर मैं कंक्लूड करने से पहले आपको बताना चाह रहा हूं कि माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट 40% कम कर दिया गया, पड़ो प्रदेश प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप कम कर दी गई, मौलाना आजाद फाउंडेशन खत्म कर दिया गया फेलोशिप, और इसकी वजह से 1,80,000 मुसलमान हायर एजुकेशन में गायब हो चुके हैं। सर मैं इख्तिताम में कह रहा हूं कि पसमानदा मुसलमान से प्रधानमंत्री को बड़ी मोहब्बत है, ये कौन सी आपकी मोहब्बत है पसमानदा, जब आपका एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है वहां पर? इखलाक से लेकर पीलू खान से लेकर अफान अंसारी से लेकर लुकमान अंसारी, मॉब लिंचिंग पूरे पसमानदा मुसलमान की होती है, पावरलूम बंद है अंसारियों के, कुरैश बरादरी का कारोबार बंद किया जाता है। स्पीकर सर मैं कंक्लूजन में, अभी कल हमारे होम मिनिस्टर ने कहा था क्विट इंडिया, अगर इनको मालूम हो जाए कि क्विट इंडिया का नारा एक मुसलमान ने दिया था तो वो भी नहीं बोलेंगे, वो नहीं मालूम था उनको उसका। मैं कंक्लूड कर रहा हूं, उसका नाम यूसुफ मेहर अली था सर, यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का नारा बनाया, जिसको महात्मा गांधी ने सारे देश में एक पैगाम किया। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, इस देश में अगर आज क्विट इंडिया करना है तो कहना पड़ेगा चाइना क्विट इंडिया। जो गौ रक्षक है जिसका नाम मोनू है वो आपके लिए मोनू डार्लिंग बन गया है, उसको कहिए क्विट इंडिया। सर जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं, आप हिंदू अक्षरती लोगों में हथियार बांट रहे हैं, ये आप देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। कंक्लूडिंग सर, आई एम कंक्लूडिंग, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हुकूमत से कह रहे हैं कि आप जो सियासत कर रहे हैं इससे नुकसान देश को होगा। प्रधानमंत्री जब खड़े होकर जवाब देंगे, हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, पॉइंटेड क्वेश्चन है, क्या देश बड़ा है या हिंदुत्व गोलवाल करके आइडियोलॉजी बड़ी है? मैं इस तहरीक अदम एतमाद की ताईद में खड़ा हूं और हुकूमत की मुखालिफत में। सर एक आधा मिनट सर, सर दो लोग, दो महाजे इस मुल्क में, एक चौकीदार है एक दुकानदार है, एक चौकीदार एक दुकानदार है, जब जुल्म हम पे होता कोई मुंह नहीं खोलते। यूएपीए का कानून अमित शाह ने लाया, इन दुकानदारों ने ताईद की, आज उस यूएपीए का कानून में 83 साल का बुड्ढा सिपर खत्म करो, सिपर नहीं होने के से मर गया। आखिर कब तक दुकानदार और चौकीदार हमारी लाशों पर सियासत? सर हम कंक्लूडिंग, कब तक सियासत करेंगे? अगर आप जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो आपकी दुकानदारी नहीं चलेगी, चौकीदार को धन्यवाद करेगा। शुक्रिया सर।